हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में सटीक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी डिजनी है। दोस्तों देखिए, प्रश्न आप सामने है कि ये क्यूब में दे रखा और 7074 दे रखा। अब इसका मान बताना है, किसी याद करेंगे, इस चीज़ को पावर बदलेंगे। देखो 7088 होल पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को पावर में बदलना है, अपनों को क्या बदलना है, अपनों को घात में बदलना है। तो देखिए 7 4 0 8 8, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 7 14 0 2 4 8 2 4 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 16 2 8 16 2 5 10 2 2 4 2 2 4, 2 से काटा। अगर यहाँ क्यूब आ रहा है तो निश्चित ही 3 से जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 9 18 2 2 4 2 6 12 2 1 2, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9 0 और 3 8 24 और 321। जब एक बार इन तीनों का जोड़ा बन गया, जब तो ध्यान रखना, एक बार 3 से, अब 3 तो एक बार 3 बार और 3 से जाएगा। देखो 3 एकम 3 0 3 2 6 3 9 27, है ना। 3 से लगाएं, 3 3 9 और 3 4 12 3 3 9, ये अब 7 से जाएगा तो 7 4 28 7 9 63 7 7 49 7 1 50 7 1 7, ठीक है। तो अब यहाँ 2 की पावर, देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 होल पावर 1/3। अब ये 3 3 3 पावर है, देखो तो ये 3 पावर को बाहर निकाल देते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 3 और होल पावर ए 1/3। 3 से 3 कट गए तो 2 3 6 6 7 42। इसका आंसर क्या आएगा, 42। आई होप कि समझ आ गया होगा। ऐसे बारीकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी ऐसे इसने रूट में दे रखा और 0.40 दे रखा इसमें, 1 2 3 4 0 और 27 दे रखा, बताइए इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन ये कर लेते हैं कि ये 27 है ना, तो 27/10 का 1 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सिफर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, 3 का मतलब 1/3। अब 27 3 की पावर 3 और यहाँ ये तो 100 की पावर 3 हो जाएगी, 1/3 और 3/10, ये क्या आएगा, 3/10 3/100 की पावर 3 रह जाएगी इंटू 1/3 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा और भाग लगाएंगे इसका तो 0.03, ये आंसर आएगा 0.03। आयोग के सामने आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो इसमें दिया है रूट में रूट दिया है इसने 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 रूट में 29 प्लस रूट में दिया 49 बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालें क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर है सब। तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। इसी 7 को यहाँ प्लस कर दें 9, 7, 16, 6, 8, 3, 36 हो जाएगा जिसका वर्गमूल कितना आएगा 6। तो 6 इसमें जोड़ दें तो 19 और 6, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। इसी 5 को यहाँ प्लस कर दें तो रूट में कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना आया 4। इसी 4 को यहाँ प्लस करेंगे तो रूट में 9 और बराबर कितना आएगा 3। एक सेकंड में अपना आंसर बड़ी आसानी से आ सकता है। अगला का सवाल है देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए तो लास्ट तक देखते रहिएगा जाएगा नहीं कहीं। देखो 1 सही 9/16 इसका मान क्या होगा आपको एग्जाम में हल करने में बहुत आपको याद है फिर भी आप हल नहीं कर पाएंगे। देखो 16 × 16 = 25/16 ये रूट और इसको 5/4 4^2 × 1/2 2 से 2 कट गया बराबर 5/4 फिर 4 का भाग लगाएं 4 × 1 = 1/4 ये इसका आंसर आता है 1 से 1/4। अयोग के सुन में आ गया होगा। यहाँ पे दिया इसने रूट है 4^n इक्वल टू दिया 1024 तो n है तो n बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ n की पावर कितनी हो रही 4 की पावर कितनी हो रही 4 की पावर हो रही ये है अपने पास n/2 1/2 n/2। अब इसको घात में बदलते देखें तो 4 से बदलो 4 × 8 = 20 4×6 = 24 फिर 4 × 1 = 4×6 = 24 और 4 × 4 = 16 4 × 4 = 64 4×4 ये 1, 2, 3, 4, 5 4^5 5। अब ये इसका बेस और इसका बेस इक्वल है आधार समान है तो पावर बराबर होगा। अगर पावर समान हो घात बराबर समान हो तो बेस इक्वल हो ये याद रखना। तो ये दोनों समान है इसलिए n/2 = 5 और n = 2×10 बड़े आसानी सवाल है। देखिए एक माली है 17,956 पौधे को इस पर इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियां हो। मतलब कहने का मतलब ये वर्गाकार जैसे कि 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 है ना। तो जैसे कि
कितनी, एक दो तीन चार लाइन है और कॉलम भी एक दो तीन चार, ये 4×4 बराबर कितना 16। यानी कि वो वर्गाकार कक्षाओं में अपने पौधे लगाना चाहता है। तो जितनी पंक्तियाँ उतने ही पौधे हर एक पंक्ति में, जैसे उसके पास चार पंक्तियाँ हैं तो चार पंक्ति में चार पौधे, एक दो तीन चार पौधे, है ना। अब उसके पास कितने पौधे हैं, 17,956। उसके पास पौधे हैं 17,956 पौधे। इसका आप वर्गमूल निकालो, क्या निकाला अपन वर्गमूल। अब जिसको याद है, बहुत सारे तरीके वर्गमूल निकालने के, बहुत सारे तरीके हैं। जिसको याद हो शॉर्टकट निकाले, नहीं याद है तो गुणनखंड करके निकाल ले, है ना, भाग विधि से निकालो, एक सेकंड में आ जाएगा आंसर। एक तो गुणनखंड विधि होती है, दूसरी विधि होती है भाग विधि। मैं दोनों आपको बता देता हूँ, जो आपको अच्छे लगे वो कर लेना। देखो 17,956 गुणनखंड बताता तो भाग बता देता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले सम संख्या 2 से जाएगा, 2×8=16, फिर 9×19, फिर 2×9=18, 1×15, 2×7=14, 1×16 2×8=16, फिर 2 से जाएगा, 2×4=8, 2×4=8 और 17 2×8=16 और 18 2×9=18। अब 2 से जाएगा, अब 3 से, 3×3=12, 2×3=27, तो 3 से 3×3=14, 3×4=12, फिर 2×28, 3×27 ने 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी जाएगा, 5, 6 से भी जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7×6=42। ऐसी स्थिति में भाग किन किन संख्याओं लगता है, 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13 ऐसे लगता है अभाज्य संख्याओं से। ये नहीं कि आप लोगों ने 4, 2, 3 से जा रहा तो 6 से लगा दिया, टाइम वेस्टेज नहीं करना अपनों को, ये याद रखना है। 5 से तो कब जाएगा, कि कहीं में 5 हो या 0 हो, 5 का तो सवाल ही नहीं है। 3 से जा ही नहीं रहा, 2 से नहीं जा रहा, 7 से चेक करते हैं, 7×6=42, 2 बचे, 7×6=28, 9 भी नहीं जा रहा, फिर 11×6=44, 11 में भी नहीं जा रहा, 13 से 39, 39 और 5, 53×52, 6×9, 13 से भी नहीं जा रहा। भाग विधि से कर लो डायरेक्ट गुणन की, जब आपको गुणनखंड में दिक्कत आ रही है ना, भाग विधि से एक सेकंड में वाला होगा। भाग विधि से दोनों विधि बता दी मैंने आपको, गुणनखंड में भी हो जाएगा लेकिन आपको बहुत आगे सोचना पड़ेगा। यहाँ तक तो नहीं जा रहा, 13 का आप सोचोगे 13 से भी नहीं जा रहा, फिर तो आपको बहुत आगे सोचना पड़ेगा, इसलिए भाग विधि कर लो, सेकंड में आंसर आएगा। देखो 17,956 दो का जोड़ा बनाओ, इन दोनों को बनाओ एक, देखो यहाँ एक तो एक का लगेगा, एक एक में कितना होगा 2, एक में से गया तो 7×9, अब यहाँ 21, 63, 21×64, 21 + 63, 3 से जाएगा, 3×3 कितना हुआ 6×3=2, और 3×3=9, 3×2=6, 9×9 हो गया 0, 6×7=1, ऊपर से उतारा 5×6, अब 6 या तो 4 से जाएगा, 4×16, या 4×16 है ना, फिर किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4×16 या 6×6=36, 4×6 कितना होता 16 और 6×6 कितना होता 36, या तो 4 से जाएगा या 6 से जाएगा, क्योंकि इकाई में इसके भी 6 है इसके भी 6 है, तो 4 से चेक कर लेते पहले, 6 से चेक करेंगे तो 6×2=12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसे 4 से चेक करते हैं। देखो यहाँ 4 रख के देख लेते हैं, 4×16 का 6 या 1, 4×6=24 नहीं 25 का 5,
दो चार दून आठ है दो दस, ये पूरे दस छप्पन आ गए। तो चार ने चार आठ छः दो, तो चार अपने यहाँ पे आ जाएंगे। चौंतीस कितना हो गया, 134 इज द राइट आंसर। तो प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधा होगा, 134। आप सोचते हैं बड़े आसानी से अपन निकालें, इतनी जल्दी अपन नहीं निकाल पा रहे थे, इतनी जल्दी नहीं निकाल पा रहे थे। 17 से जाता हो, किससे जाता, अगली संख्या कौन सी आ रही, 17 से जाता, 17 दो में 34, एक तो दो से गया था वो, एक 17 से जाता। तो इतना आपको सोचना पड़ता, 17 से भी जाता हो, किससे जाता आप मालूम पड़ गया आप लोग, 17 से जाता। देखो मैं बता दूं आपको पूरी विधि बता दूं, दोनों विधि बता दूं। देखो 17 956, देखो अब दो से जाएगा दो बार, देखो 2 8 16 19, 2 9 18, 2 7 14 और 2 8 16। अब दो से गया तो एक बार और दो से जाएगा निश्चित है, तो 2 4 8 और 2 4 8 17, 2 8 16 और 2 9 18। अब अपना संख्या कौन सी मिली अपनों को, 17 2 34 नहीं 134 आ रहा है, 17 से भी नहीं जाएगा, 134 का गुणनखंड करके देख लो, 2 6 12, 2 7 14, 67 से जा रहा है, 67 अभाज्य संख्या है, 67 एक अभाज्य संख्या है, तो आपका 17 से भी ये नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 17 4 68, 17 से भी नहीं जाएगा। देखो 17 2 34, 10 बचे, 8 नहीं 34 तो है नहीं ना, 134 है, इसलिए इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त हुई, भाग विधि, क्योंकि आपको 67 जा रहा है, लास्ट 67 संख्या आ रही है, 67 से जाएगा, तो 67 तक आपको भाग लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप भाग विधि से करिए, यानी दो दो हथियार होने चाहिए आपके पास, एक एक हथियार से नहीं हो रहा काम, दूसरे हथियार से काम करें, है ना। आई होप कि समझ आ गया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।